नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आप जानते हैं कि आप 2 मिनट में अपना खाना हजम कर सकते हैं? यानी अगर आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहती है तो सिर्फ 2 मिनट आपको दिन में देने हैं और उससे आपका हाजमा अच्छा रहेगा। कैसे, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। शिकायतें करना बहुत आसान है, लेकिन धन्यवाद करना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद दें। क्या खोया पर कॉन्सेंट्रेट ना करके क्या पाया और क्या आपके जीवन में है उस पर यदि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जीवन में आनंद रहेगा, और यही हमें योग दर्शन सिखाता है। अगर आप भोजन करते हैं यानी लंच या डिनर, तो उसके बाद आपको करनी है 2 चीजें, बहुत ही आसान। यानी खाना खाने के बाद आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएं। 2 मिनट तक अगर भोजन करने के बाद आप वज्रासन में बैठते हैं या फिर इस वज्रासन में ही बैठ करके खाना खाते हैं तो आपको कभी भी गैस की समस्या नहीं होगी और आपका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, दफ्तर में हैं और आप नहीं बैठ सकते ऐसे, तो फिर आप करेंगे वायु मुद्रा का अभ्यास। वायु मुद्रा यथानाम तथा गुणा, पहली उंगली को फोल्ड करके हम अंगूठे के रूट से छू देते हैं और अंगूठे को फोल्ड कर देते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी और इस तरह से जब आपका हाथ तैयार हो जाएगा तब आप उसे हथेलियों को आकाश की ओर रुक किए हुए टिका देना आंख बंद करके 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे भोजन करने के बाद। यदि आप घर पर हैं और आपको लेटने के लिए स्थान मिल सकता है तो फिर आप लेंगे 8-16-32 का एक नियम जो रामबाण का कार्य करता है। कैसे करते हैं 8-16-32? जब आप भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद आप सबसे पहले दाई करवट से 8 काउंट तक लेटेंगे, फिर बिल्कुल सीधा 16 काउंट तक लेटेंगे और जब 16 काउंट पूरे हो जाए तो 32 काउंट तक आप बाएं करवट से लेटेंगे और फिर 32 काउंट के बाद आप बैठ जाएंगे। यदि आप नियमित रूप से प्रत्येक मील के बाद 8-16-32 का नियम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी भी गैस की समस्या नहीं होगी, और जाने से पहले हमारे घरेलू नुस्खे जरूर लेते जाएं। भोजन के बाद आप छोटी हरड़ का सेवन करें, अपने बैग में रख सकते हैं। जैसे ही खाना खाएं छोटी हरड़ को मुंह में डाल लें, गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी। इलायची अपने पास रखें और जब भी आपको मन करे 1 इलायची मुंह में डालिए, चबाते रहिए। आप देखेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे।